कैसे चला रहे हैं रॉबर्ट डी नीरो अपना जादू, क्यों पसंद किया लोगों ने हैथवे और डी नीरो की जोड़ी, क्या खासियत है नैंसी मेयर्स के डायरेक्शन की। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म द इंटर्न की। हर एक सफल महिला के पीछे एक बड़ा समझदार आदमी खड़ा होता है। ये कम से कम द इंटर्न की कहानी है, जो एक नई जनरेशन की कहानी है, जो कुछ अलग और हट के रूप से जेंडर पॉलिटिक्स को ऑनलाइन स्टार्टअप की अपनी स्टेनलेस नई दुनिया में और सोशल मीडिया के जमाने में दिखाता है। इस फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो एक रिटायर हुए आदमी का किरदार निभा रहे हैं, जो कि फैशन की दुनिया की बिजनेस वुमेन एनी हैथवे के वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक अनएक्सपेक्टेड गाइड बन जाते हैं। ये फिल्म सिंपल मनोरंजन से भरी एक फिल्म है, जो लेखक निर्देशक नैंसी मेयर्स के आलिशान टच के साथ आपका दिल छू लेगी। इट्स कॉम्प्लिकेटेड और समथिंग गॉट अ गिफ्ट के रोमांटिक फिस्ट को पीछे छोड़ के ये फिल्म एक अलग टाइप की रोमांटिक कॉमेडी है। इस फिल्म में आपको एक अलग किस्म का प्यार दिखेगा और ये फिल्म आपका दिल छुएगी। नैंसी मेयर्स काफी हद तक सफल कॉमेडी स्पेशलिस्ट हैं। हालांकि मुख्य धारा की हॉलीवुड फिल्मों में हमेशा ही उनके महिला पात्र आमतौर पर कम नजर आते हैं, ऐसे में ये सरप्राइज जैसा नहीं था जब उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो को बिन के रूप में पेश किया, जो एक रिटायर्ड विदुर है जो सीनियर इंटर्न की तलाश में है जिसके साथ वो व्यस्त रह सके। इस बीच कहानी में यंग फीमेल बॉस है जूल्स ऑस्टिन। सीनियर इंटर्न के पीछे का आइडिया बस इतना है कि तेजी से बढ़ते वेब पोर्टल के लिए एक एक्सपीरियंस व्यक्ति का नजरबंद हो जाना दूर की बात नजर आती है। ऐसे में हमें मजबूत रिलेशनशिप के परे एक अजीब फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। पहली बार में ये स्क्रिप्ट वर्किंग वुमन के आइडिया को प्रमोट करती नजर आती है। पति घर पर ठहरकर बच्चों की देखभाल करता है, महिला काम करने जाती है, मगर पति एक शख्स से भी घिरा हुआ है, उसका एक अफेयर है, यही बात उसे बार बार परेशान भी करता है। लेकिन कुछ भी कहो, फिल्म के हीरो है रॉबर्ट डी नीरो, जो इतनी बूढ़ी उम्र में भी छा जाते हैं। दीपिका पादुकोण छपाक से निर्माता बनी और जल्दी हॉलीवुड हिट द इंटर्न के हिंदी रीमेक के साथ उन्होंने एक और प्रोडक्शन वेंचर की घोषणा की। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण, जिन्होंने पीकू में सह अभिनय किया, अब द इंटर्न के लिए फिर एक साथ आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि बिग बी पहले से फिल्म का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब उन्हें उस भूमिका में कास्ट किया गया जो ऋषि कपूर को निभानी थी। क्या लगता है आपको, क्या बॉलीवुड देख पाएगा अपना जादू इस रीमेक के साथ? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में क्या कहना है आपका। अब इसी के साथ मैं हस्ती लेती हूँ आपसे इजाजत, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।